हेलो फ्रेंड, सुप्रभात। अभी सुबह के 6:05 हो गए। अभी हम चलते हैं वॉकिंग के लिए और फ्रेश मिल्स लेके आते हैं। अब बाहर का मौसम बहुत ही सुहाना है। रात को बारिश हुई थी लेकिन अभी बारिश रुक चुकी है, तो अभी चलते हैं वॉक करके आते हैं। फिर ये देखिए सुबह सुबह का मौसम कितना अच्छा है। रोड पूरा सूखा है, बारिश नहीं, रात को हुई थी बारिश, कुछ बारिश, लेकिन अभी मौसम ठीक है। फ्रेश एयर, ठंडी ठंडी हवाएं, वॉकिंग के लिए काफ़ी अच्छा। सुबह सुबह शरीर के लिए बहुत अच्छी है फ्रेश एयर। देखिए जो रास्ते में पानी का जो लेवल हमेशा रहता था वो आधा वाइट लाइन से पीछे, यानी मतलब आधा रोड पानी से कवर हुआ है, तो बारिश कम होने के कारण से पानी कम हो गया। यहाँ से देखिए आपको पानी का जो लेवल है, आधा रास्ता हो गया है और रोड भी सूख गया है। चारों तरफ से कैसी हरियाली है, सुबह सुबह अच्छा लगता है। ये फिर यहाँ से फिर थोड़ा सा 200 मीटर तकरीबन कच्चा ट्रैक का इस्तेमाल करना पड़ता, जो अभी मैं कच्चे ट्रैक में आ गया हूँ। अब यहाँ से जब कच्चा ट्रैक लूँगा तो यहाँ से 200 मीटर आगे जाके जो दूध है वो वहाँ से मिलता है। कोई रास्ता दिखाई दे रहा है आगे सीधा। पहुंच चुके हैं हम जहाँ से दूध निकाला जाता है। ये है काओ का फॉर्म, यहाँ पर काओ का रखा गया और यहाँ भी दूध निकाला जा रहा है। जैसे ही दूध निकालता है फिर मैं यहाँ से दूध लेके वापस चला जाता हूँ। अभी वॉकिंग करके घर पहुँच चुका हूँ, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल दूध को बॉईल कर देता हूँ। दूध को बॉईल करने के लिए रख दिया, साथ साथ में सुबह मॉर्निंग की टी भी बना रहा हूँ। और हनी की बेड में आवाज़ आ रही, शायद वो उठ गई है लगता है। आज संडे जो स्कूल नहीं होता था वो 6:30 ही उठ गई, नहीं तो बाकी स्कूल का टाइम होता है तो उसको उठाने में बड़ी मुश्किलें होती हैं। तो चलो अभी चलते हैं फिर अपना नेक्स्ट वर्क करते हैं। हमारे हनी रानी उठ चुकी है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा। हनी देखो जब स्कूल नहीं होता है तो देखो जल्दी उठ जाती, अभी जब स्कूल होता तो इसको उठाने के लिए बड़े मुश्किल होती है। सुबह की मॉर्निंग चाय तैयार हो चुकी है, हम लोग चाय पी रहे हैं और हनी दूध पी रही है। और अभी हम लोग सब उठ चुके हैं और हनी थोड़ा सा अभी ड्राइंग भी कर रही है। सुबह उठ के फ्रेश हो चुके हैं अभी हम लोग सभी लोग, आज थोड़ा जल्दी उठ के हनी ड्राइंग कर रही है। गुड, तो उसको ड्राइंग करके थोड़ा सा एंगेज किया जा रहा सुबह सुबह। वेरी गुड। सफेद है कि पीले है? ये बताना, वो बीमार बीमार है वो। देखे ये क्या, हनी देख, मेरे दांत सफेद है कि पीले है? पीले। क्यों पीले है? सफेद है यार, डेली ब्रश करता सफेद है। पीले हो गए दांत? हनी मेरी आंखें काली है कि भूरी है? नहीं, आंखें आई काली है कि भूरी है? काली है, काली है, ठीक है। मेरे कपड़े साफ है कि गंदे है? गंदे है। पूरी इंसल्ट कर रही है हमारी। अरे साफ कपड़े बाबू, गंदे कहाँ है यार? किसने सिखाया तेरे को क्लास में ये? हनी गंदे कपड़े ही है, दिखा डर्टी कर तेरे को क्लीन क्लास। साफ कपड़े है ना, तो नहीं गंदे नहीं बोलना ना बेटा, ठीक है। अच्छा हनी यहाँ बोल, मेरे बाल लंबे है कि छोटे है? छोटे है, छोटे है। सही आंसर, बाकी रॉन्ग था बेटा। मैं अच्छा हूँ कि अच्छी हूँ? हनी
यू आर फनी। ओके, बादल कैसे होते हैं? बादल बादल भी सफेद होते हैं। हनी क्या कर ले हो? हनी को नींद सी आ रही है, सुबह 6 बजे की उठी रहती है ना, अब लंच करके सोएगी, अभी तो थोड़ी सी चाय बन रही है क्योंकि इसको सर्दी है ना, थोड़ा अजवाइन वाली चाय बना रही हूँ, थोड़ा ये पी लेगी, थोड़ा सा इसको च्यवनप्राश खिलाती हूँ। चाय इज़ रेडी, इसमें काली मिर्च, अजवाइन, इलायची पाउडर सब डाली हूँ, थोड़ा सा हनी को दूँगी क्योंकि क्या है ना, उसको हल्के फुल्का होता है तो ऐसे ही ट्रीट करना ठीक रहता है, क्योंकि दवाई पीने में बहुत रोती है, बहुत ज़्यादा उल्टी भी कर देती है, तो जहाँ तक होता है मैं पहले उसको इसी तरह से घरेलू उपचार देती हूँ, फिर थोड़ा सा अगर ज़्यादा होता है तो फिर तो मेडिसिन देना ही पड़ता है। लंच में चीला बन रहा है, इन लोगों का फेवरेट। और हनी क्या कर रही है? देखो इसको खांसी हो रही है, पानी पीना है? अच्छा मम्मा लाती है। 1:45 हो गया, 2 बजने वाले हैं और यहाँ लंच स्टार्ट हो रहा है। लंच में है इन लोगों का फेवरेट, हमारा फेवरेट चीला, चीला विद सॉस। सॉस से तो अच्छा होता था, और इसके साथ में और क्या होना चाहिए? चटनी कौन सी चल सकती है? मुझे तो हरी चटनी अच्छी लगती है, पर हनी नहीं खाती फिर अब चलो ठीक है। बेसन मिल जाता है, सूजी मिल जाता है ना, हेल्दी है, ऐसे कुछ वो नहीं है, और घी में सिका रहता है तो ऐसे ऑयल में भी नहीं सिकती है। हम लोग से भी देखने में तो हेल्दी लग रही है, कहीं से भी हम ऐसे नहीं लग रहे कि अनहेल्दी नहीं है, है ना? कोई भी हम लोगों को देख के बोल देगा ये हेल्दी है या नहीं है। तो हनी की मम्मा का कमाल है, हनी भी हंस रही है। हनी सैनिटाइजर जब तक ये पूरा गिर के वो नहीं हो जाएगा ना, जूस लेगी ये पूरा, उसको खेलती रहेगी, उसके बबल्स बनाने की कोशिश करती है। उसको लेना पड़ेगा बबल एंड स्ट्रॉ, बबल एंड स्ट्रॉ वाला कहाँ मिलता है पता कर, वो मेले वगैरह में तो मिलता है, अब शॉप में मिलता है कि नहीं पता नहीं। चलो खाओ है, और चीला बन गया है, इन लोगों का ऑलमोस्ट हो गया है, और अब मैं खाती हूँ। ऐसे ही होता है हमारा लंच टाइम ना, 3 बजे जाता है आराम से। ये क्या हो रहा है? एक ही सोफा तोड़ दोगे मेरे को लगता है आप दोनों बैठ के, दोबारा दूसरा बना देंगे फिर क्या चेंज कर देंगे इसका गद्दा। ये लकड़ी तो नहीं टूटेगी? लकड़ी तो सागौन की है, मजबूत है, नहीं टूटेगी। अगर हो रहा तो फिर गद्दा ही लगेगा, मोटू दब जाओगे आप पीछे से, देख लो इन जोकरों को। चलो खाओ और रेस्ट करो, ठीक है? फाइव 5:30 हो रहा है और यहाँ रेडी हो गई है इवनिंग टी। हनी हम लोग सब तो पैर में थोड़ा रेस्ट कर रही है, और चाय इसी में से हनी को दे देना थोड़ी सी, मैं भी दे दूँगी, असल में उबल उबल के कम हो गई चाय है। ना हनो मूड में नहीं आई है, हाँ बहुत गहरी नींद सो रही थी, तो मैंने कहा चल सो ले, 2 घंटा तो सो लिया ना उसने, फिर भी फिर कल स्कूल भी है ना, तो रात में थोड़ा फिर टाइम पे ही सोना है। बेटा यहाँ लेडीज लोग अभी सावन का महीना चल रहा है ना, तो ऐसे बैठ के भजन गाते हैं शाम को। हनी बेटा थोड़ा सा होमवर्क आया है, करना है ना?
ये टैडी को तो छोड़ दे, ला टैडी को अंदर, टैडी के बिना ला अंदर रख देती है टैडी को। टैडी तो पता नहीं इससे कब तक चलेगा साथ में। इसको बड़े गमले में शिफ्ट करना रहेगा ना, ये वाले को करेंगे। हाँ अंदर उधर रखे तो है, देखना पड़ेगा। ए हनु, अच्छा हल्दी वाला दूध पीने से इसको काफी आराम मिला है ना, ये खांस रही थी काफी कम हो गया है। इम्यूनिटी भी तो तगड़ी है, छोटी छोटी बीमारी तो वो रुक गई। हाँ इम्यूनिटी अच्छी है इसकी, सही है। दवाई अपन को देना नहीं पड़ा, टच वुड अच्छा ही रहे सब। टच वुड कर दूँ, चलो चाय ले लो, पानी लाओ। चाय पी लो, ऐसी गर्मी सी हो रही है ना। हाँ, बारिश है यार, बारिश नहीं आई है, ये बहुत गर्म हो रहा है एकदम। चलो आप क्या बना रहे हो? ये जीरा आलू बन रहा है। और इसमें सरसों का तेल डाल के बनाया है, मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल देखना, बिल्कुल सिंपल, ना कोई ऑनियन ना टमाटर, ओनली जीरा, नमक तो डालेंगे ना। नमक हल्दी तो डलेगा ना। एक ग्रीन चिली, हाँ ज़्यादा स्पाइसी नहीं, स्पाइसी नहीं है, बट हनी हनी भी आराम से खा ले। वाह, मैं उसके साथ में आज रोटी, रोटी मैं बनाऊँ आज, ये बोले मैं बनाऊँगा, मैंने कहा ठीक है। मैंने बोला मैं भी थोड़ा सा कुकिंग का प्रैक्टिस कर लेता हूँ, कई बार आप इधर उधर चले जाए तो मुझे भूखा रहने की जरूरत ना पड़े। मैं कहाँ जाऊँगी, कहीं इधर कोई काम कौन से चले गए हाँ। तो मतलब ऐसा है कि कुछ भी बना के मतलब खा सके, आपको भी बना के खिला सके। हाँ ठीक है, सही बात। चलो मैं हनी को थोड़ा कंप्लीट करा देती हूँ होमवर्क। क्या हुआ हनी? क्या हनी, व्हाट हैपेंड? क्या हुआ बाबू, क्या हो गया? व्हाई आर यू क्राइंग? मूड सही नहीं लग रहा है इसका कुछ। मोबाइल मोबाइल। अच्छा ये मोबाइल के लिए रो रही है। मोबाइल मोबाइल। देखो इसको मैं बैठ के पढ़ा रही हूँ तो इसको भी मोबाइल, गंदी बात नहीं, पढ़ाई करो अभी। मोबाइल के लिए ऐसे इमोशनल नहीं होना है। मोबाइल आपको खाना खाते टाइम दूंगी, खाना खाते टाइम। लगाऊंगी बेटा, आरती दोनों पहले और टूटे बोल, गणेश भगवान की, दुर्गा माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, ये काम कौन सा वाला जय किया ने एकदम जोर से कराएंगे करना, भारत माता की। हाँ हाँ मम्मी टीकू लगा पहले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बैटरी डाउन है, जिसको रख देता फिर टीका बना दिया। पीछे पड़ जाती है एक बात का। लो भाई मनी हैप्पी हो गए, लेट्स गो। आरती नहीं लेना, आरती ले लिया ना, हनी ने ले लिया ना। हाँ टीकू, अरे गिर जाएगा बेटा। क्या देखे, भगवान को टीकू लगा दिया, देखो सब भगवान को, शिव जी को लगा दिया, गणेश जी को लगा दिया। हाँ ठीक है, निकालेंगे। क्या निकाल, निकालेंगे कल साफ करते हैं तो निकालेंगे। ओके गिर जाएगा नीचे, उतरो नीचे, आ जाओ चलो फिनिश कर लो होमवर्क, आओ जल्दी करो, 5 मिनट्स और पढ़ लो फिर छुट्टी। आ जाओ बेटा नीचे आओ, आ जाओ, खांसी हो रहा बाबा को। क्या क्या चल रहा है अन्नी का? अन्नी की स्पेलिंग्स लर्न करा रही हूँ, याद कर लो। इंग्लिश की ईबीएस, ईबीएस तो बीच बीच में इसका ब्रेक भी चल रहा कुछ, मिल्क पाउडर खा रही है।
अच्छा मिल्क पाउडर कॉम्प्लेंट खा रही है, पता नहीं इसको सूखा कितना अच्छा लगता है, इसको दूध में डाल के दे तो नहीं खाती है। अच्छा मतलब ब्रेक भी है, खाना भी है, खेलना भी और पढ़ना भी, मतलब 3 in 1 काम कर रही है ये, गजब। उसको रोना भी आ रहा है कि मुझे पढ़ा क्यों नहीं। खाना खा लो। हाँ अनी चलो लिखो राइटिंग करो अभी। देखो हनी क्या खा रही है। हनी अपने पड़ोस में बच्चे का बर्थडे था तो हनी तो जाती नहीं है, हनी को घर में ही भेज दिया, केक बिस्किट और क्या है, तो हनी खा रही है, पढ़ाई करके मोबाइल भी देख रही है और टीवी भी देख रही है। और हनी की मम्मा क्या कर रही है किचन में भाई, क्या बन रहा है? सब्जी तो आप ही ने बनाई है। मैंने बनाई है आलू की। चलो आलू की सब्जी है, चपाती जीरे वाली है और घी में पराठे और या रोटी मिक्स करके बनाऊंगी। ठीक है बनाओ। ठीक है 9 बज गया और यहाँ चल रहा है डिनर, जिसमें है कि सिंपल आलू की सब्जी जो इन्होंने बनाई है एंड चपाती। आलू की सब्जी बनाई तो भी नहीं बन सकता, कैसी नहीं, अच्छी मैंने टेस्ट किया, यम्मी है और पिकल है। और अभी पराठा भी बना रही हूँ, थोड़ा रोटी थोड़ा पराठा, क्योंकि हनी को थोड़ा पराठा अच्छा लगता है, तो घी का पराठा थोड़ा अच्छा भी रहता है बच्चों के लिए, हम लोगों को ज़्यादा वो ना हो जाए ना, इसलिए थोड़ा चपाती भी, ताकि ऑयली ना हो जाए ज़्यादा, इसलिए चपाती भी बनाया मिक्स करके। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट बेटा, सो जा, 12 बजे सो नहीं रही है, पता नहीं क्या है। गुड नाइट बोलो। गुड नाइट, सो जा बच्चे। स्वीट ड्रीम्स मम्मी, स्वीट ड्रीम्स बोलो। रियली ये सो ही नहीं रही है, 12 बजे पता नहीं इसे नींद क्यों आ रही है। पापा तो सो भी गए, बच्चा सो ही नहीं रहा है, खांसी हो रही है, चल सो जा। गुड नाइट।